ये आइडेंटिफाई किया कि एक मूविंग पार्टिकल जो होता है, कोई भी पार्टिकल, अगर पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर समझ रहे ना, कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता उसका पोजीशन, ठीक है, अगर रेस्ट कंडीशन में है तो। अगर वो मूव कर रहा है, कहीं घूम रहा है या रोटेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है, और वेलोसिटी। तो एक ने दिया था प्रोबेबिलिटी कि उसको कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जा सकता है, इस एरिया में हो सकता है कि ज्यादा हो या इधर कम हो। जैसे हम लोग कुछ ढूंढते भी हैं तो अनुमान लगाते हैं ना कि इस एरिया में ज्यादा, ये इस एरिया में मिल सकता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सर्च करते हैं। तो वैसे ही हेसिंगबर्ग ने ये दिया, बताया कि किसी मूविंग पार्टिकल का यानी इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी किसी एरिया में कितना है, ठीक है। और दूसरा जो है डी ब्रोगली ने मूविंग पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला को प्रोवाइड कराया था। तो इन दोनों डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होने लगा था, डेवलपमेंट बोर मॉडल, बोर्ड ने जब मॉडल दिया था उसी समय यह डेवलपमेंट आया था, लगभग दोनों का टाइम लगभग एक ही है, आसपास ही है। लेकिन बोर्ड्स ने उस चीज को इग्नोर करके जो आपका प्रॉब्लम था रदरफोर्ड मॉडल का, उस प्रॉब्लम को बस केवल सॉल्व किया था। क्या क्या था? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस उसको देख लेते हैं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में घूम रहा है या मोशन में है, वो वेव कैरेक्टर भी शो करेगा। यानी वो पार्टिकल तो है ही जो मूव कर रहा है, लेकिन उसमें वेव कैरेक्टर भी होगा, ठीक है। तो एक चीज उससे पहले थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग, समरफील्ड मॉडल। समरफील्ड जो है बोर्ड्स के मॉडल को ही एक्सटेंड किए थे, जब उन्होंने स्पेक्ट्रा लाइंस को ड्रॉ किया था, स्पेक्ट्रा लाइन को ब्राइट एंड डार्क स्क्रीन पे जब देखा तो वहां पे पतला पतला लाइन भी था, बिल्कुल बारीक बारीक सा। तो अब जब बोला गया कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और रिलीज हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में ये बारीक लाइन नहीं आना चाहिए, अगर क्वांटम के फॉर्म में रिलीज हो रहा है तो या तो डार्क आना चाहिए या ब्राइट आना चाहिए, उसमें बारीक डार्क या व्हाइट लाइन्स नहीं आना चाहिए स्क्रीन पे। तो वहां पे समरफील्ड ने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन उसका एक सबसेल भी होता है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने आप रिवॉल्व घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी का होता है, जैसे सोलर सिस्टम में हम लोग देखे ना कि क्या होता है, सन होता है, सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करता है, और अर्थ जो है अपने अक्ष पे भी, अपने एक्सिस पे भी सर्कुलेट होते रहता है, रोटेट कर मूव होते रहता है, घूमते रहता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन, इस चीज को समरफील्ड के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें यहाँ पे देखिए फ्रॉम बोर्स मॉडल क्या था, mv = nh/2π, वहीं पे ऑर्बिट पाया जाएगा जहां h/2π का वैल्यू जो है इंटीग्रल ऑफ h/2π, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा एंगुलर मोमेंटम, वहीं पे आपको ऑर्बिट पाया जाएगा। तो उस ऑर्बिट में, अब उस सर्कुलर ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में जो फाइन लाइंस का जो एनर्जी होगा वो डिफाइन दिया गया था समरफील्ड के द्वारा, और उसके लिए बस मिलता जुलता फॉर्मूला है, बस क्या कर दिया गया, mvr = n के जगह पे अब k डाल दिया गया। उस k का वैल्यू होता है, नीचे आप देख रहे हैं, n सेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक ही वो होता है, एक ही 1s होता है, इसलिए वहां पे 1 सब सेल है। l सेल में 1s, वो 2s और 2p, तो वहां पे 2 सब सेल है। एम सेल में 3D भी आ जाता है, इसलिए वहां पे 3 सब सेल है, और एन में 4 आ जाता है, इसलिए वहां पे
फोर सबसेल है, तो के का वैल्यू उस सबसेल का वैल्यू है, जैसे के इक्वल टू वन के सेल में, के इक्वल टू वन एंड टू आपको एल सेल में, के इक्वल टू वन टू थ्री एम सेल में, और के इक्वल टू वन टू थ्री फोर एन सेल। तो देखिए के और एल का सबसेल कैसा होता है, सर्कुलर शेप का, एम और एन सेल का होता है इलिप्टिकल शेप का, डंबल आकार का। अभी हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, शेप ऑफ द सेल पढ़ेंगे, तो वहां फोटो में भी देखेंगे कि ऑर्बिटल का शेप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है कि डंबल टाइप का रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है कि सर्कुलर रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है कि डबल डंबल कार होता है एक। तो ये इसी चैप्टर में, अभी आगे जब हम ऑर्बिटल पढ़ेंगे, ऑर्बिटल जैसे वेव नेचर पढ़ेंगे, ऑर्बिटल पढ़ेंगे, उस ऑर्बिटल में उसी डंबलाकार क्षेत्र में और उसी सर्कुलर क्षेत्र में आपको इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो समरफील्ड ने क्या दिया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। जो यही चीज है, बस क्या है, इन्होंने ऑर्बिट के अंदर का ये थ्योरी दिया था। ठीक, तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, आपको याद होगा दूसरे दिन हमने 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, जिसमें कि ये पूछा गया था कि जो फाइन लाइंस होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, जो फाइन लाइंस थे वो क्या थे। तो फाइन लाइंस थे वो सबसेल के एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करने के कारण बने थे, जो कि सबसेल क्या हो गया, यही के सेल, के जो है के का वैल्यू जो है यही सारा सबसेल हो गया। कम से कम आप लोग जो है, जो साइंटिस्ट का नाम है, जो टर्म्स है, ये कम से कम आप लोग याद करते, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टर्म्स और नाम दोनों याद करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, रिपीटेशन होगा इस टर्म का, वो टर्म धीरे 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 आपका हैबिचुअल हो जाएंगे और उस टर्म आपको समझ में आने लगेगा। तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि जो चीज समझ पा रहे हैं उस चीज को ग्रैप्स करने का कोशिश करें, उस चीज को नोट डाउन करने का कोशिश करें, जो नहीं समझ पा रहे हैं उसका एक अलग से वो भी रखें कि ये हमने इस चीज में हमको दिक्कत है, वो आप हमको अगर मैं वो देते हैं अभी मैसेज, वो कर देंगे, नंबर दे देंगे, तो वो मैसेज कर दीजिएगा, उस पर नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंसीडर कर लिया करेंगे। ठीक है, या जैसे जैसे होगा कि बेस्ट सूटेबल, जहां पे आपको समझ में आएगा वहां पे उस चीज को हम कंसीडर करते जाएंगे। तो चलिए, अभी तक हमने पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कंप्लीट किया, यानी इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल नेचर आना था यहां तक हो गया। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ कि कोई भी मूविंग पार्टिकल जब वो मूव करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें दोनों नेचर पाया जाता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों। तो उस वेव को कैलकुलेट करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक वैल्यू दिया, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या हो गया, मैटर एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों एक्सपेक्ट करता है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर और द वेव एसोसिएटेड विथ दैट मटेरियल या दैट पार्टिकल आर कॉल्ड मैटर्स वेव या डी ब्रॉगली वेव। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। तो ये जनरल स्टेटमेंट था इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम भी लोग भी जानते हैं कि पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन के केस में वो किया गया, तो डी ब्रॉगली एक्सप्लेन क्या किए, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। एक कौन सा वेव बोलते हैं इसको, मैटर के साथ जब कोई मैटर मूव कर रहा है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होता है, उसके साथ जो वेव बनता है, उसको कौन सा वेव बोलते हैं बताइए, पार्टिकल नेचर वेव, पार्टिकल नेचर वेव नहीं, मैटर वेव बोलते हैं या डी ब्रॉगली वेव।
उसको डी ब्रोगली के द्वारा ये इक्वेशन दिया गया था, इसलिए उसका डी ब्रोगली वेव या फिर मिलर वेव बोलते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम नोट कर देते हैं। ऐसे जो नोट्स आएगा आपका उसमें ये चीज इंक्लूड करेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर। ठीक है, द वेव एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स, द वेव एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स, आर कॉल्ड मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स। हो गया, ये नोट कर लिए? यस सर कर लिए। चलिए, तो डी ब्रोगली ने बोला था कि वेव नेचर जो है, वेव नेचर वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्टिकल नेचर के, यानी वेव नेचर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर। समझ में आया? यस सर। पार्टिकल नेचर किससे हम डिनोट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल नेचर किससे डिनोट करते हैं? याद होगा आपको जॉन्स, ये जे.जे. थॉमसन का जो हम लोग मॉडल पढ़े थे, उसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जे.जे. थॉमसन ने, क्या दोनों एनोड और कैथोड के बीच में क्या लगाया था कि जिससे पता चले उनको कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर होता है? बोलिए, किसी को याद है तो? फ्लोरोसेंट पेपर सर। याद है किसी को? नहीं, याद नहीं है सर। किसी भी अगर पार्टिकल में, किसी भी कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसमें उसके मास के कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है, उसके मोमेंटम के कारण, मास इनटू वेलोसिटी। समझे? तो पार्टिकल नेचर जो है किसके कारण होता है, पार्टिकल नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए जे.जे. थॉमसन ने क्या किया था, दो एनोड और कैथोड लिया था, एनोड और कैथोड के बीच में एक पैडल लगाया था छोटा छोटा जो मूव करे, जैसे जो व्हील टाइप का होता है ना पैडल, वो मूव करे। झूला देखे हैं, वो जैसे सर्कुलेट करता है बड़ा सा, बहुत ऊंचा वाला जो होता है, उसी तरीके का पैडल व्हील होता है। उस पर क्या करेगा, जब कोई चीज स्ट्राइक करेगा उस पर, तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। ठीक है, तो उस चीज, वो चीज जो होता है उसके कारण क्या होता है, मोमेंटम होगा, और उस मोमेंटम के कारण उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, और वही शो करता है कि वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल नेचर का। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं एक चीज, थोड़ा पीछे जो हम लोग पढ़ते हैं उसको थोड़ा रिपीट किया कीजिए, रिपीट करेंगे तभी समझ पाएंगे। देखिए, उन्होंने बताया था क्या, वहां पे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये मान लीजिए एनोड था, ये कैथोड हो गया, ये ए से एनोड और सी फॉर कैथोड। तो कैथोड से क्या होता था, कैथोड रे कहाँ की तरफ जाता था, एनोड की तरफ, तो क्या जाता था, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, तो इलेक्ट्रॉन यहां से मान लीजिए निकला, तो बीच में अगर इसमें कोई मोमेंटम होगा तो बीच में हम क्या करते थे, सर्कुलर ऐसे पैडल लगा दिए इस तरीके का, ये पैडल व्हील लगा हुआ है। अब ये पैडल व्हील पे, इस व्हील पे कोई भी अगर चीज आके स्ट्राइक करेगा तो ये क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आके इस पे स्ट्राइक करता है, अगर स्ट्राइक करता है तो ये अगर पार्टिकल नेचर का है तो क्या करेगा, ये अपना काइनेटिक एनर्जी जो है, अपना जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, वो इस पैडल को दे देगा, और ये पैडल क्या होगा, इधर की तरफ रोटेट करने लगेगा।
ऐसे रोटेट करने लगे। ठीक है, अगर ये वेव होता तो ये क्या करता, ये वेव होता तो ये ऐसे प्रोपोगेट करके चला जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोटेट नहीं करता। तो ये पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता, मोमेंटम जेनरेट होता है, और वो मोमेंटम कहां बदल जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये बताने के लिए था। तो यहां हम वेव नेचर को W से डिनोट करते हैं, W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर, PN, पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर WN इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पार्टिकल नेचर के, WN इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय PN। ठीक है, पार्टिकल नेचर जो होता है वो क्या चीज का होता है, मोमेंट। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेव लेंथ WL इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मोमेंटम। मोमेंटम तो इसको आप लोग अपने कॉपी पे अभी लिख लेंगे, नोट्स में हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे। वेवलेंथ डायरेक्ट इनवर्सली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट। तो क्या है, वेव नेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल नेचर का, पार्टिकल नेचर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंटम के, और वेव नेचर प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, यानी उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये वेव नेचर के कारण होता है, और मोमेंटम जो है उसका पार्टिकल नेचर के कारण होता है, और वेवलेंथ जो लैम्डा जिसको लिखते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका, मोमेंटम के। तो यहां से आगे इसी को आगे वो कर देते हैं जो आपका फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। देखिए यहां से क्या, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्ट अभी एक स्टेप बाद इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 बाय पी। यहां पी क्या है, मोमेंटम, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। तो लैम्डा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी यानी मोमेंटम। ठीक है, यहां से अब क्या होगा, अब इसको हम यहां से प्लैंक कांस्टेंट लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, यहां एच पी क्या है, मोमेंटम, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ, एम मास, और वी वेलोसिटी। ठीक है, एक चीज हम लोग और पढ़े थे, ये देखिए कि वन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू 1/2 mv² mv² यही काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv² तो काइनेटिक एनर्जी को मान लीजिए हम लोग ई से डिनोट करते हैं तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा इधर वो करके एम को भी इधर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एम वी है ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये 1/2 mv² को हम यहां से v को हटाना है तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसको कर सकते लिख सकते हैं ये पूरे के पूरे इसको mv के बराबर कर सकते हैं यहां से mv इक्वल टू √2 me। यहाँ ई से हमने किसको डिनोट किया, काइनेटिक एनर्जी को, 2 me। सर एम सर क्या हुआ, एम मास ऑफ
मास ऑफ द पार्टिकल सर उधर भी एम इसको सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी को तो वो तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ आना चाहिए सर उसको कैसे आप गलत लिखा गया सर रूट अंडर 2 के ही होगा E हाँ के आप नीचे चलिए बताते हैं ये आया कैसे देखिए यहाँ पे इधर 2 को इधर ला देंगे तो 2 के ई बराबर क्या हो जाएगा 2 के ई बराबर mv स्क्वायर दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m सर दोनों साइड m से क्यों मल्टीप्लाई हमको इसको इस फॉर्मेट में लाना है यहां से m भी हमको v को एलिमिनेट करना है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम नहीं कैलकुलेट करेंगे हर जगह लेकिन हम उसका एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ठीक है तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा इक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा नो सर m स्क्वायर बी स्क्वायर तो क्योंकि m और m आपस में दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा तो इक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा अब जो हो गया आपका इसको लिख सकते हैं 2m into kinetic energy is equal to mv square mv का होल स्क्वायर कर देते हैं ठीक है अब यहां से हम mv निकालेंगे तो mv बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 2m into kinetic energy e के लिखिए या ई लिखिए ठीक है समझ में आया ये कैसे आया यस सर इक्वली है ना तो यहीं से हमारा क्या हो गया लेमडा बराबर अब यहां पे हम लेमडा का वैल्यू पुट कर देंगे लेमडा बराबर H by root under 2m into KE या E जो भी लिखना है उसको लिख सकते हैं देखिए ठीक है तो हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया एक इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म इस दोनों को नोट डाउन कर लेंगे लेमडा इक्वल टू एच बाय एम बी और लेमडा इक्वल टू एच बाय रूट अंडर 2m इन तो अब बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए बड़ा सा बॉल है फुटबॉल है ये भी तो आगे रन होते रहता है मान लीजिए ये भी किसी ने किक मार दिया और ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट हो गया रनिंग होने लगा तो इसका वेवलेंथ और इसका वेव क्यों नहीं पता चलता है तो देखिए क्या होता है कि इसका वेवलेंथ जो होता है इसके ऑब्जेक्ट के साथ इतना छोटा होता है कि इसका वेव प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं अगर इसका साइज थोड़ा कम होगा थोड़ा छोटा साइज का होगा और ज्यादा स्पीड से अगर ये रोटेट आगे बढ़ेगा लगभग लाइट के स्पीड के आसपास तो उस चीज को वहां पे हम लोग वेवलेंथ और वेव इसका डिटेक्ट कर पाएंगे तो लार्जर ऑब्जेक्ट का लार्जर ऑब्जेक्ट में भी अगर वो मोशन में है तो वेव होता है लेकिन उसका वेवलेंथ जो होता है या वेव कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है न के बराबर होता है ठीक है जबकि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन उसका वेवलेंथ जो है एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया भी गया है और किया भी जाता है ठीक है
ये समझ में आ गया डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? यस सर। चलिए इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर से हम लोग पहुंचते हैं कहां पे, जहां पे हमारा नोट्स था। चलिए देखिए यही चीज है डी ब्रोगली, यहाँ डी ब्रोगली एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी और एच बाई पी इक्वल टू लेमडा। आपको ये बताएं कि लेमडा, ये जो इक्वेशन था क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि वेव नेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्टिकल नेचर के, और वेवलेंथ उसी कारण वेवलेंथ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के, तो इसीलिए। और उसके बाद जो ये एच लगा देंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 6.6 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकंड। जूल सेकंड पर सेकंड जूल सेकंड यस। चलिए देखिए याद हो गया ना, चार से पांच बार रिपीट कर से याद हो गया। चलिए एक चीज और पूछते हैं, विजिबल लाइट का वेवलेंथ किस रेंज में होता है, ये भी बताया था। विजिबल लाइट का वेवलेंथ किस रेंज में होता है? चलिए इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं याद है तो, 400 नैनोमीटर हम लिख देते हैं स्क्रीन पे, लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर अगर गलत करेंगे तो वो चीज हो जाएगा कि यूनिट भी गलत नहीं होना चाहिए और वैल्यू भी गलत नहीं होना चाहिए। यहां नीचे साइड में लिख रहे हैं, फोर हंड्रेड नैनोमीटर एन एम से कहां तक, 750 नैनोमीटर तक। ये वैल्यू विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, इसको नोट कर लीजिए या फिर जिनके पास वो नहीं है जो इधर उधर बैठे हुए हैं थोड़ा ऊपर अगल बगल में, तो वो इसको पूरे स्क्रीन को स्नैप ही ले लीजिए, नहीं तो और वहां पे मार्क कर लीजिएगा। लेकिन इसको नोट कीजिएगा जरूर, आप अपना एक जो नोटबुक जो बनाए हुए हैं उसमें नोट जरूर कीजिएगा, लिखने से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये था हमारा, तो वहां पे ये सब लिखा हुआ है, वेयर लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ, वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एम इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, और वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपका हो गया लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 2m × काइनेटिक एनर्जी के ई। कहीं पे काइनेटिक एनर्जी के ई लिखा रहता है, कहीं पे एनर्जी ई लिखा रहता है, ठीक है, वेयर के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो डी ब्रोगली ने ये मैटर वेव को का वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला उन्होंने दिया था। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का, उसके पाए जाने का, किस एरिया में वो ऑर्बिट के किस रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ये जो बताया गया था वो हेसिंगबर्ग के द्वारा बताया गया था। इस प्रिंसिपल में क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई एट एनी गिवन इंस्टेंट
किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे बोथ एक साथ द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट एंड द पोजिशन ऑफ ए सब एटोमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली लाइक इलेक्ट्रॉन, यानी किसी पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन का, कोई सब एटॉमिक पार्टिकल का जो मूव कर रहा है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन या कोई भी छोटा पार्टिकल हो जो इलेक्ट्रॉन के साइज का हो या प्रोटॉन के साइज का हो, उसको आइडेंटिफाई करना उसका मोमेंटम, यानी उसका मोमेंटम और उसका पोजिशन, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका वेलोसिटी और उसका पोजिशन कहाँ पे है, ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है, पता नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने एक इक्वेशन बताया कि डेल्टा एस इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एस क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, यानी पोजिशन में अनसर्टेनिटी कितना होगा, एंड डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यानी इससे ज्यादा एक्यूरेट तक हम लोग पता नहीं कर सकते, समझे। तो ये हम लोग को इसमें पढ़ना नहीं है, सिलेबस में ये चीज नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इसलिए ये चीज बस जानना थोड़ा जरूरी है। ये डायरेक्ट आपको ग्रेजुएशन से शुरू होता है, हेसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए तो इसमें हम लोग चलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ही है वो थ्योरी जो आज भी फॉलो होता है, ठीक है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के उसमें बोर्स का मॉडल तक अभी वो फ्लॉप हो चुका है, उसके बाद जो आया था स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल आया था और स्क्रोडिंगर मॉडल्स ऑफ एटम्स आया था, वो अभी भी फॉलो होता है और वही चलता है। तो इस मॉडल में क्या है, इस मॉडल को में स्क्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दिया था, इस वेव इक्वेशन में इसको बोलते हैं पाई, पी एस आई, यहां पे लिखा भी हुआ है, जो ये देख रहे हो ना त्रिशूल ऐसा सिंबल है, इसको बोलते हैं पसाई। तो ये जो है एक इक्वेशन दिया था वेव फंक्शन का, जहां पे पसाई क्या है, वेव फंक्शन है, जो कि एम्पलीट्यूड देता है, एम्पलीट्यूड बताता है कि उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, यानी वो कितना ऊपर नीचे वो वेव जो है वाइब्रेट कर रहा है। तो पसाई का कोई वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, पसाई स्क्वायर का इंपॉर्टेंस है। पसाई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन कहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसके पाए जाने की, ये बताता है पसाई स्क्वायर, ठीक है। और उस रीजन को जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। दिस रीजन, जो रीजन कौन सा, न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। और यही अब यहां से आपको इंट्रोड्यूस हो गया, पहले हम लोग ऑर्बिट 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 पढ़ रहे थे, अब यहां से आ गया ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, यानी वेव नेचर की जब भी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा ऑर्बिटल का, यानी विद इन ऑर्बिट, जहां पे किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। समझ में आया? यस सर। चलिए, ये क्योंकि नया चीज है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम, ये नया चीज है, ये थोड़ा समझने में भी हो सके टाइम लगे, और अगर इतना मजा आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन आ गया है ऑर्बिटल का, व्हाट इज ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल होता क्या है, एन ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज थ्री डायमेंशनल स्पेस, किसके, न्यूक्लियस के, अराउंड द न्यूक्लियस
within which the probability of finding the electron, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है, probability है, उस area में maximum है. तो किस area में? जिसका energy level आपको दिया रहे, जैसे K cell का energy दिया हुआ, K orbit का energy आपको दिया हुआ, बताया हुआ कि इस region, तो उस region में भी आप, अब क्या कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह समझिए, तो एक एटम में एक स्क्रोडिंगर, ये जो स्क्रोडिंगर का जो आपका मॉडल हो गया, इसमें इसको जब हम ओवरऑल देखेंगे तो ये ऐसा है कि एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ वेव क्लाउड है, यानी बादलों का समूह है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है. ठीक है, तो ये टोटल का टोटल बोर्स मॉडल से टोटल अपोजिट हो गया. बोर्स मॉडल ये बोला था कि पार्टिकुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यानी फिक्स था, जैसे वो ट्रैक बना रहता है ना दौड़ने वाला, आर्मी भर्ती वगैरह या एथलीट वगैरह में आप लोग देखे होंगे, तो पार्टिकुलर ऐसे ऐसे अपना अपना ट्रैक बना रहता है, उसी ट्रैक में लोगों को दौड़ना रहता है. उस तरीके का था वेव मॉडल, ये बोर्स मॉडल. बोर्स ने बोला था कि सब इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एनर्जी लेवल है और उस एनर्जी लेवल के कारण वो अपने अपने डिफिनिट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल के अनुसार घूमते रहता, सर्कुलेट करते रहता. लेकिन स्क्रोडिंगर का जब ये आया, जब वेव नेचर का भी पता चला कि जो बहुत छोटा पार्टिकल है और जो लगभग लाइट के स्पीड से अगर घूम रहा है या उसके समकक्ष स्पीड से घूम रहा है, उसके कंपैरेटिव स्पीड से अगर रोटेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों पाया जाएगा. और दोनों जो है इस तरीके से होगा कि दोनों एक दूसरे को, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि कोई इलेक्ट्रॉन यहीं पे पाया जाएगा, कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते कि पार्टिकल नेचर इसमें नहीं है, केवल वेव है, ये बादलों का एक समूह है, बस केवल बादलों का समूह है, लेकिन फिर भी उसमें पार्टिकल नेचर है. ठीक है, तो उस चीज को स्क्रोडिंगर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया और स्क्रोडिंगर ही कॉन्सेप्ट लेके आए कि एक ऑर्बिट के अंदर भी एक एनर्जी लेवल के अंदर, यानी एक गिवन एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को के पाए जाने की संभावना कहां मैक्सिमम है, और उस रीजन को इन्होंने बोला ऑर्बिटल. ठीक है, तो एन ऑर्बिटल इज अ डिफाइंड एज द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विथ इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी लेवल इज मैक्सिमम. यानी वहां पे उस वहां पे एक एनर्जी लेवल है आपको, उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना क्या है, मैक्सिमम. तो चलिए हम लोग थोड़ा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो ऑर्बिट क्या था, डिफाइंड सर्कुलर पाथ था, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफाइंड था, वैसे ही ट्रैक की तरह कि इतना ही दूर पे न्यूक्लियस के वो पाथ होगा चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जिस घूम रहा. एकदम पाथ नहीं हुआ, यहाँ पे स्पेस हो गया, उस स्पेस में ये कहीं भी पाया जा सकता है. तो स्पेस अराउंड न्यूक्लियस विथ इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी इज मैक्सिमम. ठीक है, ऑर्बिट में क्या हम लोग डिफाइन करते थे, प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिट क्या था, प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑर्बिटल क्या है, थ्री डिमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी एक बॉल है, मान लीजिए न्यूक्लियस, उस बॉल के चारों तरफ का एरिया ना, उस चारों तरफ के एरिया में एक एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. लेकिन जो अगर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट हम ले, तो बॉल नहीं, एक सर्कल मान लीजिए, वहां पे बॉल नहीं होगा, एक सर्कल होगा, और उस सर्कल के चारों तरफ जो फिक्स लाइंस है, जो सर्कुलर पाथ है, उस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो
ऑर्बिट के हिसाब से ऑर्बिट सर्कुलर था, और ऑर्बिटल के हिसाब से ऑर्बिटल जो है डिफरेंट शेप का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, आपको इलिप्टिकल भी हो सकता है। तो ये जो है आपको डिपेंड करता है कि किस तरह का एनर्जी लेवल, किस तरह का वो है। यहीं पे एक दो चीज और आएगा जिसको हम आज बस केवल पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे। तो वो चीज है हमारा क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए यहां पे लिख देते हैं, ये चारों क्वांटम नंबर ध्यान रखिए। चलिए तो क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर हमारे पास हुआ है पढ़ने को आए थे। ये पहला है, लिख लीजिए इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पहला ये हो गया। दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, ए जेड आई एम यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा फोर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन, इसको डिनोट करते हैं अजीमुथल को स्मॉल एल से, इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक को स्मॉल एम से, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये सेल को बताता है, उसके साइज को और एनर्जी को बताता है, ठीक है। एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ये आइडेंटिफाई करता है सबसेल को, सबसेल के शेप एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम को बताता है। वैसे ही आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन को पता है कि किस तरह से जो है सबसेल ये सब ओरिएंटेड है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसके स्पिन के ओरिएंटेशन को बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, आप ऐसा देखे होंगे एक बॉक्स में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे और ऐसे, यानी एक का स्पिन ऊपर की तरफ है और दूसरे का नीचे की तरफ, तो ये प्लस वन बाई टू या माइनस वन बाई टू इसको बोलते हैं। तो ये सारा जो है डिफरेंट डिफरेंट उसके इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी को, और इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, उसका ओरिएंटेशन क्या है,
उसका स्पिन क्या है, मतलब उसका रोटेशन क्या है, ये सब चीज को स्पेसिफाई करता है। हम लोग देखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, यहां से तब आ जाएगा हम लोग एस पी डी एफ, ये सब एस पी डी एफ में जब हम लोग आ जाएंगे तो वहां से उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर देंगे। तो इस चीज को पहले क्वांटम नंबर, इन सभी को डिस्कस करना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे जो हम लोग का सिलेबस में दिया हुआ अफबाव प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारा सब इसी क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यस सर। बोलिए, आज का जो लेसन था ये बिल्कुल नया था, समझे? आज का जो चैप्टर था इसमें आपने, बहुत लोगों ने टर्म्स को भी नहीं सुने होंगे, इन सभी टर्म्स को, क्वांटम नंबर, फिर इसको वेव इक्वेशन, पसाई, ठीक है, इन सब टर्म्स को भी नहीं सुने होंगे। तो इसको एक बार जाकर आप रिपीट कीजिएगा, उसको एक बार जाकर देखिएगा, एक दो बार जब तक हम उसको नहीं देखेंगे वो टर्म्स हमको याद नहीं होगा, तब तक वो थ्योरी हमको समझ में नहीं आएगा।